हाय दोस्तों, इसी वीडियो के जरिए मैं आज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करके ब्रिटानिया का ट्रेड कैसा रहा उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैंने इसी वीडियो में ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज ब्रिटानिया पर हमारा ट्रेड कैसा रहा। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया का चार्ट ओपन किया है और ये देखिए, मैं 10 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है। तो आपको ये जो भी कैंडल दिख रहा है ये 10-10 मिनट का है, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, आज का जो पहला 10 मिनट का कैंडल बना ये कैंडल था, ठीक है? तो मैंने इसका रेंज मार्क किया, तो इसका रेंज आया था 5399 से लेकर ये देखिए 5416 के आसपास। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे देखिए ये सुपर ट्रेंड रेड था, ठीक है? तो इसके बाद ये देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ आया था और ये जो रेंज था ये रेंज को क्रॉस करके इसी लेवल के आसपास आ गया। तो ये जो चौथा कैंडल ये देखिए जो क्लोजिंग दिया इसी रेंज को ये क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। अगर आपका एंट्री लेना है तो आप इसी लेवल पे एंट्री ले सकते हैं जो कि 5385 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों, ये इसी लेवल के क्लोज होने के बाद मैंने जब ट्रेड लेने के लिए गया तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया था, तो 7-8 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया था। इसीलिए दोस्तों मैंने जो टारगेट किया था कि 5394 के आसपास मेरा एंट्री लेना है और देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस था इसी लेवल पे था 5424 के आसपास। तो अगर आप 5424 को देखेंगे ये देखिए 30 पॉइंट के आसपास हो रहा है, तो मेरा 1500 का रिस्क है और 30 पॉइंट होगा तो मेरा 50 क्वांटिटी लेना है। इसीलिए दोस्तों मैंने 5394 के आसपास एग्जीक्यूट कर रहा था और ये देखिए 5392 के आसपास एग्जीक्यूट हुआ और मैंने यहाँ पर 50 क्वांटिटी लिया। और देखिए इसके बाद मेरा जो स्टॉप लॉस था ये 5424 के आसपास था, ठीक है? तो ये ब्रिटानिया आज साइडवाइज मूवमेंट दे रहा था और जब मार्केट क्लोज होने का टाइम पे ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों, ये रूल के हिसाब से ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मुझे आज 1600 के आसपास नुकसान हुआ है। जब ये ब्रिटानिया का स्टॉक साइडवाइज रहता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने इसी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमको क्या चेंज करना पड़ेगा। पहला चीज हमको ये देखना पड़ेगा, हम जब एंट्री ले रहे हैं तो ये सुपर ट्रेंड ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी ये सुपर ट्रेंड ऐसे फ्लैट रहता है तो मैक्सिमम टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने इसी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा चेंज करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली स्ट्रैटेजी पहले क्या था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग के लिए स्ट्रैटेजी बना था। सेलिंग के लिए कैसे बना था, हमको सेलिंग करने के लिए क्या क्या देखना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखिए, जो पहला 10 मिनट का कैंडल है हमको इसका रेंज मार्क करना था, मैंने यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद हमको वेट करना है कि उसके बाद जो 10-10 मिनट पे जो कैंडल बनेगा, जो कैंडल इसी लेवल को क्रॉस करके जाके नीचे क्लोजिंग देगा तभी हम सेल करने के लिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो चौथा कैंडल है ये नीचे आके क्लोजिंग दिया इसी लेवल पे, इसीलिए हम अभी सेलिंग के लिए गए, ठीक है? उसके बाद हमको क्या देखना है कि ये सुपर ट्रेंड भी रेड रहना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सुपर ट्रेंड रेड भी है और ये जो पहला 10 मिनट का कैंडल का जो ओपन और क्लोज का जो रेंज है ये रेंज को क्रॉस करके ये चौथा कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया। इसीलिए दोस्तों हमको इसी लेवल के आसपास सेल करना है। तो सेलिंग करने के लिए ये था हमारा रूल। तो दोस्तों, इसी रूल पे मैंने और थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए, हमको क्या चेंज करना है। अगर ये पहला 10 मिनट का कैंडल का रेंज को क्रॉस करके नीचे आता है तो वो सेलिंग के लिए तो सैटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमको और एक चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सुपर ट्रेंड उसी टाइम पर ऐसे फ्लैट है तो हमको वहाँ पर एंट्री नहीं करना है। हम जब भी एंट्री करने के लिए जाएंगे ये सुपर ट्रेंड 45 डिग्री ऐसे एंगल बनाना चाहिए। मैंने आप लोगों को पेंट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये कैसे होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले कैंडल बना देता हूँ। देखिए, कोई भी रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, सोच लीजिए ऐसे हमारा कैंडल बना, ठीक है? अगर हम सेल करने के लिए जाते हैं तो हमारा सुपर ट्रेंड ऐसे रेड रहना चाहिए, ठीक है? तो जब भी ये सुपर ट्रेंड ऐसे फ्लैट रहेगा, मतलब ये पैरेलल अगर ऐसे रहेगा तो हमको तभी सेल नहीं करना है। अगर ये सुपर ट्रेंड एंगल बना के रहेगा, मतलब देखिए ऐसे अगर एंगल बनाएगा तभी हम सेल करने के लिए जाएंगे।
अगर ये एंगल 45 डिग्री का एंगल बनता है तो बहुत अच्छा काम देता है, लेकिन फिर भी जब ये एंगल बनाएगा तब भी हम सेल करने के लिए जाएंगे। अगर ये सुपर इंडेक्स से फ्लैट रहेगा तो हमको सेल नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी पे ये था पहला चेंज। और एक चेंज हमको क्या करना है, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाया और आप ले लिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे पिछला दिन पे दिखा रहा हूँ कि कैसे हुआ है। ये देखिए, ये दिन पे आपको दिखा रहा हूं, ये था पहला 10 मिनट का कैंडल का रेंज, ये था ओपन और ये था क्लोज। तो इसका नेक्स्ट जो कैंडल बना, ये कैंडल देखिए इसको क्लोज करके नीचे आ गया और हम ये कैंडल पे हम एंट्री लिए, तो इसी लेवल पे तो हम सेल किए। इसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, फिर वापस ये देखिए साइडवाइज मूवमेंट दिया। तो देखिए इसी लेवल के आसपास ये सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कभी भी दिख रहा है कि आप एंट्री तो ले लिए, देखिए यहाँ पे तो सुपर ट्रेंड एंगल बनाया था इसलिए आपका एंट्री आ गया, अगर उसके बाद ऐसे सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाएगा और आपका 6-7 कैंडल ऐसे बनेगा तो फिर आपको वो ट्रेड से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये दो रूल ये स्ट्रैटेजी के साथ ऐड कर रहा हूँ, जब भी ये सुपर ट्रेंड फ्लैट रहेगा आपको एंट्री नहीं करना चाहिए, अगर आप एंट्री ले लिए उसके बाद 7-8 कैंडल हो गया और फिर भी ये सुपर ट्रेंड ऐसे फ्लैट बिहेव कर रहा है तो आपको वो ट्रेड से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये जो ब्रिटानिया का स्ट्रैटेजी था, ये ब्रिटानिया का स्ट्रैटेजी पे मेरा लॉस हुआ है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से कोई मदद मिल रहा है तो मेरा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैंने जब नया वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, ये था ब्रिटानिया का स्ट्रैटेजी और इसी स्ट्रैटेजी पे मैंने दो एक्स्ट्रा रूल आज ऐड किया है। थैंक यू।